खुजावाद के सुखावाद बुरा नहर एनएच 2 पर लगी ये भीड़ व पुलिस उसी युवक की तलाश कर रही है जिसका प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मारपीट से बचने के लिए एक युवक नहर में कूद गया। अभी तक ना ही युवक की पहचान हो सकी है और ना ही युवती की, आखिर कहाँ के थे ये लोग। आज सुबह सुखावाद के पास बूढ़ा नहर पुल पर युवती के साथ एक युवक देखा गया था। उसी समय युवक को कुछ युवकों ने घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। तभी मारपीट से बचने के लिए युवक ने नहर में छलांग लगा दी और वो नहर के पानी में डूब गया। वहीं मारपीट करने वाले लोग भी मौके से युवती के साथ फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आखिर पूरा माजरा क्या है, वही आशंका ये भी जताई जा रही है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है जिसमें युवती के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की है जिससे वो नहर में कूदा है। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। यहाँ तक बता रहे हैं उधर मारपीट भी हुई थी, आप तलाश कर रहे हैं नहर में। ये अभी हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति नहर में गिर गया है, तो सूचना पर मैं मौके पर आया। अभी यहाँ पे उपस्थित लोगों से पूछा तो एक ये सज्जन बता रहे हैं कि एक लड़की और एक बुजुर्ग थे साथ में और दो लड़के थे, तो एक लड़के को ये बुजुर्ग और एक लड़का उसको पीट रहे थे और इस बात पे और ऐसा बताया कि शायद लड़की उस लड़के के साथ घर से निकल के आई थी और उसी में वो लड़का इस नहर में बताया कि कूद गया। कुछ लोगों ने देखा है बहते हुए। अब हम मौके पर आए। उसकी शिनाख्त कोई हो पाई है क्या? शिनाख्त कोई नहीं हुई है, अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ का लड़का था। और जो सज्जन उस लड़के के साथ में बुजुर्ग और लड़की और लड़का था वो मौके से यहाँ से चले गए हैं, यहाँ मौके पे मिले नहीं। अभी हम लोगों को सूचना मिली है तो हम अपना रस्सा कांटा से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अगर कहीं मिलता है नहर में, और अगर कोई सफलता मिलती है तो अच्छा।